वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन। और इस वीडियो में यार जानेंगे हम कि बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं और कैसे उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मेरा पुराना ट्रैक है जो ये वाला, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इसे कंप्लीट कर ही रहा था तो मुझे लगा बेस सेक्शन आ गया है जिसे मैं अक्सर भूल जाया करता हूँ, तो मुझे लगा बेस समझाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को पता होगा कि सब बेस और बेस होता क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता, और जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन इन्फॉर्मेशन है ये। बेसिकली काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊँगा मैं, ध्यान से समझना। और बेसिकली ये मेरी मेलोडी है तो इसके हिसाब से मुझे बेस बनाना है, ठीक है ना, पहली बात ये। और पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ बेस और सब बेस होता क्या है, ठीक है। पहले हम यहाँ से एक बेस प्लगइन ले लेते हैं, मोडो बेस। बेसिकली हम दो लेंगे, ये हमारे बेस के लिए होगा, एक हमारे सब बेस के लिए होगा। देखिए सब बेस होता है हमारे बैकग्राउंड के लिए और बेस जो होता है हमारा नॉर्मल बेस वो फ्रंट के लिए होता है। जैसे कि ये जो सब बेस है ये हमारे बैकग्राउंड को फिल करेगा ताकि हमारा सॉन्ग खाली खाली ना लगे, ठीक है। और इसमें जो मेन बेस है वो मेन बेस का काम करेगा ही, जो हमारे सॉन्ग को एक सतह देने का काम करेगा। सतह आपको पता है ना, एक लेवल देने का काम करेगा कि हाँ भाई जिस पे एक सॉन्ग टिका है, ठीक है। सिंपल सीधी परिभाषा इसकी यही है। और अभी मैं यहाँ पर लेयर में मेलोडी को कर देता हूँ पेस्ट, इसके हिसाब से मैं बेस बना लेता हूँ। अभी यहाँ से मैं बेस चूज़ कर लेता हूँ। मेरा सॉन्ग थोड़ा सा पुराना है, मतलब पुरानी मूवी का किसी का सॉन्ग है ये, और मैंने थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बनाया है, थोड़े ईडीएम टाइप किक्स वगैरह यूज़ करके, तो मैं थोड़ा मॉडर्न बेस लूँगा। देखते हैं इसका साउंड कैसा है। स्टूडियो इसको हम ट्रैक दे देते हैं, ट्रैक नंबर 18 19। दोनों को अलग अलग ट्रैक दे दिया मैंने। अभी यहाँ पे हम बनाएंगे हम बेस लाइन अपनी, तो इसे बनाने से पहले, क्योंकि हमें बेस और सब बेस को दोनों को साथ में यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर हम दोनों में से एक भी छोड़ देंगे तो हमारा सॉन्ग जो वो खाली खाली लगेगा और फिर कोई फायदा नहीं है उसका। बेस भी एक तरह की मेलोडी ही होती है हमारी हैवी फ्रिक्वेंसीज के साथ, तो ये कई बार मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए बनाना और आसान भी हो सकता है। ऐसे बनाने के तो मैं सीधा सीधा ऐसे रख सकता हूँ पर वो बात नहीं आएगी जो हमें चाहिए अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग। अभी हमारे नेक्स्ट बेस की बारी, इसमें हमें चूज़ करना पड़ेगा जो मैं हमेशा चूज़ करता हूँ, डीप सा। मुझे बहुत पसंद है ये सब बेस के लिए, बहुत अच्छा साउंड करता है, बिल्कुल प्रोफेशनल। और अभी हम इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। Thank you.
बेस लाइन हमने एक बना ली, एक बार चेक कर लेते हैं सूट कर रहा है कि नहीं म्यूज़िक पर, वरना फिर हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा विदाउट वोकल्स। ठीक है, अभी वोकल्स के साथ एक बार। आंखें खुली हो या हूँ, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं हूँ यार, प्यार कैसे होता है। कई सॉन्ग्स में हमें बेस की फास्ट मेलोडी चाहिए होती है, कई सॉन्ग्स में हमें स्लो मेलोडी चाहिए होती है, डिपेंड करता है सॉन्ग कैसा है। ओके, अभी आपको ये पता चल गया सब बेस और बेस होता क्या है, अब इनको मिक्स कैसे करते हैं, मिक्स मास्टर कैसे करते हैं। और बेसिकली ये मैंने गलत ट्रैक में डाल रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही इंस्ट्रूमेंट डाले हुए हैं, तो अब मुझे दूसरे ट्रैक लेने पड़ेंगे। ट्रैक नंबर 40 और 41 में डाल देता हूँ, वो खाली हैं बिल्कुल। ओके, तो हमें करना क्या है कि देखो, मैं तुम्हें ड्राइंग की हेल्प से समझा देता हूँ ज़रा। ये ठीक है, ब्लैक कलर के। देखो यहाँ पे बीच में हमारा बंदा खड़ा है, ठीक है ना, तो हमें करना क्या कि उसके सामने रखना है, मतलब एक्स से कर देते हैं हमारा बेस और ज़ीरो से कर देते हैं हमारा सब बेस, डिनोट, ताकि समझ में आए। तो हमें क्या करना है कि सामने वाले एरिया में हमें बेस रखना है अपना, उसके सामने, और उसके सराउंड में हमें सब बेस रखना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। और ये हमारा बंदा, इसकी मुंडी बना देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो ये बंदा यहाँ पे बेस, उसके सराउंड में सब बेस, ताकि घुल मिल जाए आपस में बेस, और जगह बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी जगह बच जाए, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे वो चीज़। हम पहले हमारा बेस, देखो यहाँ पर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, लो पास और हाई पास दोनों करेंगे, शार्प कट देंगे बिल्कुल। देखो यहाँ पे बेस लिखा हुआ, आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसे बड़ा कर दूँ, देखो यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, तो इस एरिया में हमारा लो मिड से लेके बेस तक हमें रखना है, यहाँ इस एरिया में सब बेस आएगा, इसे हम थोड़ा सा एनहेंस कर देते हैं, ये वाला एरिया थोड़ा लाइट चाहिए, ये वाला हमारा पूरा बेस का नहीं है, बेस का सिर्फ इतना एरिया, ये हमने एक्सेस में ले लिया है ताकि नेचुरल लगे। ओके, बेस हमारा हो चुका है, इसमें हमें ज़्यादा भी नहीं करना है, इसका नाम कर देता हूँ मैं बेस। और भाई बेस की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होती है, ठीक है ना, वो अगर आप लिखोगे तो बाज लिखना पड़ेगा, बट वो होता है बेस बोलने में, ठीक है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखो, BASE वाला बेस नहीं होता वो। स्पेलिंग का भी ट्यूटोरियल दे दिया, देखो ज्ञान साथ में। अब ये हो गया हमारा सब बेस, ओके। देखो काफ़ी ग्रूवी साउंड कर रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड को फिल करने वाला, तो इससे हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से लेके, देखो बड़ा कर देता हूँ इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया रखना, पीछे वाला एरिया नहीं रखना हमें बिल्कुल भी। तो हमें क्या चाहिए, लो पास चाहिए, लो को पास करना है हमें बस। देखो कितना कितना अच्छा, थोड़ा सा वो ग्रूवी साउंड आ रहा है,
अभी इस वाले बेस को थोड़ा फैटी बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉसेज फैटनर लगाएंगे। और इसे हमें फ्रंट में रखना है, तो इसके लिए हम स्टीरियो शेपिंग करेंगे और स्टीरियो शेपिंग में फेसर टू यूज़ करेंगे। ठीक है, फेसर टू यूज़ करने से इसकी वॉल्यूम थोड़ी घट गई, तो हम इसे वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा देंगे। अब ये क्या होगा, उस बंदे के फ्रंट में साउंड करेगा या फिर बीच में साउंड करेगा, ठीक है ना, सराउंड साउंड नहीं करेगा। अभी ये हमें सराउंड साउंड कराना है, तो इसे हम एक बार साउंड ग्राइजर से, मतलब ओ यार अपने हेडफोन्स वगैरह लगा के सुनो, अगर तुम ये ट्यूटोरियल देख रहे हो तो हेडफोन या अच्छे स्पीकर्स में सुनो, तभी तुम्हें अच्छे से साउंड का पता चलेगा कौन सा साउंड कहाँ पे है। थोड़ा सा कम कर दे ताकि क्लिपिंग ना हो। ओके, अभी हमें सराउंड साउंड देना है, तो क्या करना है, स्टीरियो शेपिंग एक इसे एरिया देंगे, स्टीरियोराइज 3। इसको थोड़ा सा कम कर देंगे इफेक्ट, जो नेचुरल साउंड है वो भी बरकरार रहेगा, जो हमने एरिया दिया उसे वो भी बरकरार रहेगा। अभी देखो दोनों कैसा साउंड कर रहे हैं। अभी साउंड कैसे साउंड करेगा, बाकी म्यूजिक के साथ कैसे साउंड करेगा ये देखते हैं। सॉन्ग रिलीज होने के बाद सुन लेना, अभी ये कंप्लीट नहीं है। तो ये सेक्शन हो गया हमारा बेस का, तो इस सॉन्ग का बेस रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और कुछ समझ में आएगा। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है बेस को लेके, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ और वहाँ पे मुझे DM करो, और मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वहाँ पर मैं दे दूँगा। तो वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट किया करो यार, भाई तुम्हारे लिए बैठा है वहाँ पे फ्री यार, तो जल्दी से जाओ और वहाँ पे कांटेक्ट करो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।